हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। और ये दाया बोलो हेलो फ्रेंड्स। हेलो, एज यूजुअल यहाँ पे अभी भी बारिश आ रही है और ये कल रात को भी आई हुई थी, मतलब दो दिन लगातार हो गए बारिश आ रही है। और हम हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं इदाया की बुआ के घर, वो भी यहीं पे ही रहती है। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं और मौसम देखो, बारिश हो रखी है। इदु ये इदु फ्लाइंग किसी कर दो, आज मजे करने वाले हैं बहुत सारे। मौसम अच्छा हो ही रखा है और हम जा रहे हैं। और ये ले ली मैंने दाया की बॉटल और अभी हम निकल चुके हैं। इदु इदु बोलो ये, बोलो ये ये ये। Take the next left onto Pragati Mart. हमने अपना डब्बा खोल लिया है फ्रूट्स का, अब हम फ्रूट्स खाने वाले हैं। ये तो खा लो। लो। और आज रश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है कि बारिश हो रखी है ना, तो इसलिए जाम मिलने वाला है बहुत ज्यादा। ईदु मजे आ रहे हैं, ईदु मजे आ रहे हैं, ईदु मजे आ रहे हैं। नो, और ये हमेशा ना पैर अपनी जान बूझ के इसमें मारती है गियर पे। और पिछले 10 मिनट से हम यहीं फंसे हुए हैं, यहीं से हम निकल लिए। मुझे लगता है यहाँ पे 1 घंटा लगने वाला है। ये देखिए लेक व्यू, जैसे जैसे पानी बारिश बढ़ रही है ना, ऐसे ऐसे पानी बढ़ रहा है, इसका फुल यहाँ तक पानी आया हुआ है, पहले नहीं था। और वहां से कम 1 घंटा हो गया वहां ट्रैफिक में से अभी निकले हैं। और ये देखिए बारिश अभी भी थोड़ी थोड़ी आ ही रही है। और यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है, हर जगह पेड़ ही पेड़ दिखने को मिलते हैं, पेड़ बहुत ज्यादा हैं। मतलब रोड के बीच में डिवाइडर के लिए भी पेड़ यूज किए हुए हैं कहीं कहीं तो। और अगर किसी की शॉप के आगे भी पेड़ है ना, तो वो ऐसे कैसे ही है, मतलब काटा नहीं हुआ। वो हमारे वहां तो क्या है, नॉर्थ साइड ना काट देते हैं अगर रास्ते में आ रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी है। मौसम तो अच्छा हो ही रखा है और मजा भी आ रहा है, और हमें बहुत टाइम हो गया, अभी पहुंचने में हो सकता है 2 घंटे लग जाएं, रास्ते में ट्रैफिक इतना है। और मैं रास्ते में आपको व्यू दिखाती हूँ चलूंगी, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे व्यू बहुत अच्छे हैं। ये देखो हाईवे के बीच में भी देखो यहाँ पे ना ये फ्लाई ओवर है और यहाँ पे ये गमले रखे हुए हैं बड़े बड़े। मतलब यही चीज बहुत मस्त लगती है, मतलब हर जगह पेड़ ही पेड़ देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा है दिल्ली एनसीआर से। वहाँ पे तो पॉल्यूशन इतना है, यहाँ पे इतना पॉल्यूशन नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा है। इदाया आ गई है सो, इदाया को आ गई नींद। ये देखिए बिल्डिंग कितनी बड़ी है, ये देखिए अभी बीच में एक वो बड़ा पत्थर गया था। यहाँ पे प्रॉपर ये पहाड़ टाइप आ जाता है, मतलब एक अच्छा व्यू देखने को मिलता है। हम बाहर के रास्ते से जा रहे हैं, पता नहीं हम कहाँ से जा रहे हैं, बस हम जा रहे हैं। वहाँ कितना अच्छा व्यू आता है बीच में, पता नहीं पता है। ये देखिए एक और जाम आ गया फिर से यहाँ पे, हम तो जाम में से ही निकल के जा रहे हैं, इतना जाम लगा हुआ है। और ये जाम बहुत लंबा है,
तभी यही करके घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। मतलब पानी पर ठीक था, 5 मिनट में हाईवे पहुंचे, कहीं घूम लो और क्या। पता है क्या मेन क्या दिक्कत है, बाइक हो तभी रहता है, गाड़ी होनी चाहिए है ना। गाड़ी नहीं हमारे पास, और जब गाड़ी आ जाती है तब यार बाइक ही ठीक थी, एटलीस्ट जाम में तो नहीं फंसते, गाड़ी वाला तो जाम में ही फंस के रह जाता है। और यही पेड़ काटा नहीं हुआ, रोड के बिल्कुल बीच में है, ये बढ़िया चीज है। देखो और हम अभी भी जाम में फंसे हुए हैं, जाम ही नहीं कम होके दे रहा। और अभी एक एम्बुलेंस जा रही थी और लोग उसको भी रास्ता नहीं दे रहे थे, ये नहीं कि सारे गाड़ी रोक के उसको पहले जाने दें, वो आगे अभी गई है, हमने अपनी गाड़ी साइड में करी उसके बाद हमने उसको आगे निकलने दिया। मैं कहा पहले एम्बुलेंस को निकलने देते आगे, मतलब हद है ना लोगों की, बेचारे बंदे की जान जा रही है, ये नहीं 2 मिनट के लिए रुक जाए या जाने दें, नहीं इनको पहले जल्दी है। प्लीज अगर कभी ऐसा हो एम्बुलेंस जा रही है या आ रही है तो प्लीज उसको रास्ता दे, हम तो कहीं नहीं लेट हो रहे, किसी की जान बच सकती है 1-2 मिनट के चक्कर में, है ना। और ये उठ चुकी है, यही करती हुई, यही इदू। देखो कितनी पुरानी गाड़ी है, इसमें लेफ्ट साइड ड्राइविंग है, अगर आगे दिखी तो दिखाएंगे आपको, ये देखिए वाइपर मारो, ये देखो उस साइड लेफ्ट साइड ड्राइविंग है इसकी। वो बंदा हमें देख रहा था, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वो बंदा पीछे देख रहा था कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जाते देखते जा रहे थे। और गाड़ी मस्त थी वो वाली, है ना हिदाया, अच्छी लगी आपको। जाम में आ गए हम, और हम फिर से जाम में आ गए, दूसरे जाम में से निकल के हम तीसरे जाम में आ गए, तीसरे से निकल के हम चौथे में जा रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं हम तो। 26 मिनट और मैप में बार बार टाइम बढ़ता जा रहा है, पहले दिखा रहा था 20 मिनट और फिर दिखाया 26 और अब 30, 26 दिखा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। अब हम है पहुंचने वाले हैं और हम निकले 12:30 और अभी बजने कितने वाले हैं, 2:30 बज गए, शायद 3 बज गए हैं, 3 पर हम 12:30 निकले थे, हमें कितना टाइम लग गया, देखो 3 बजने वाले हो रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे मंदिर है कोने पे, अच्छा मंदिर है, देखो इधर के मंदिर का कुछ अलग ही डिजाइन होता है इधर के मंदिर का। बस हम हार्डली 5 मिनट पहुँचने वाले हैं, इधर भी लेक ही है कुछ और इधर पानी नहीं है, लेक मतलब नहर है, ये नहर है, इधर भी है पुल बना हुआ लेकिन पानी नहीं है। ये देखिए मतलब बिल्कुल भी शांति नहीं है, वैसे एक बंदा है वो देखो इसको, इदू क्या बोल रहे थे, देखो बाहर बोलती हुई चल रही है, इदू मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मजा आ रहा है। अब हम पहुंचने वाले हैं और ये है उनकी गली और ये सीधू को मैं पीटने वाली हूँ, देखो कितना परेशान कर रही है, सोती रही ना तो ठीक है ये। और इनके घर के पास भी बहुत ज्यादा पेड़ हैं, पौधे हैं, इन्वायरमेंट यहाँ भी बहुत अच्छा है, प्यारा है। अगर शाम को वॉक करेंगे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे यहाँ का इन्वायरमेंट। ये है उनका घर, अभी दिखाते हैं आपको उतरने के बाद। चलो ये देखो हम आगे घर, ये है दी,
और शानू हेलो कर दो, और जीजू कर रहे हैं अभी काम ऑफिस का, तो थोड़ी देर में मिलेंगे। अब हम करने वाले हैं मजे, ये आपके साथ खेलो। इधर आके दबा दिया। ये देखो इन दोनों बहनों को कैसे देखो, इदाया चिपट गई और करी हुई। नहीं नहीं बुआ पास नहीं जा रही। ये देखो इदू, और यहाँ पे अभी बारिश आ रही है इतनी तेज। और ये देखिए हितेश और हिदाया, अब सो क्यों नहीं रहे हो, सो नहीं सकते आप, इसको बिन सोना है, मस्ती करनी है इसको। हम मस्ती करने वाली बच्ची हैं। ये देखो अभी हम आए यहाँ पे सब्जियां लेने, ये देखो मस्तियां कर रहे हैं, और ये हिदाया सी शानू की गोदी चढ़ी हुई है। इनको देखो दोनों को, दोनों बहनें हाथ पकड़ के चल रही हैं, जैसे मेले में आई हुई हैं। पेनाकिन लाइट और इसको देखिए हिदाया को ये कर रही है मस्ती भागती हुई। और ये प्याज का साइज कितना छोटा है बताओ, बहुत महंगा है। अब यहाँ पे इसको कोई ना खरीदे, और यहाँ ₹100 के जी है, कौन छीलेगा इनको। चलो यही करते बैठे हैं क्या, और ये क्या है, गराडू है नहीं, ये क्या गराडू करे, ये तो अंडा, वन गेट वन फ्री, ये सब यूट्यूब बनाया जाता है लोगों को। अब ये कितने का, इसका साइज देखो 5 kg, प्राइस लिखा 348 का, एक मतलब बाय वन पाँच पाँच दस 348 का, 310 का तो नॉर्मल मार्केट में कैसे आ जाता है, ऐसे बनाया जाता है लोगों को पागल कि लेते देखते उठा लेंगे। एक्चुअल प्राइस उतना ही है। ये देखिए बारिश आई हुई है, और इतनी बारिश में हम आए हैं सब्जी खरीदने इस सुपरमार्केट में, और अभी हम जा रहे हैं घर। शानू कहाँ जा रहे हैं हम, ये बारिश 3 दिन से लगातार चल रही है, रुकने का नाम ही नहीं देती है, लगता है बाढ़ आएगी यहाँ पे, बाढ़ तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। हाँ, और इसी दया को देखो कैसे प्लेट चाट रही है, नमकीन खा रही है। इसरो ने उठाया था एंड उसको टारगेट ही नहीं, इदू खत्म नहीं हुई, जो कुछ हुआ खा लो, देखो प्लेट में डाल के, उसका कुछ रोल नहीं था लेकिन सिर्फ पॉलिटिशियंस को अपना फायदा उठाना था तो उसका यूज किया गया जबरदस्त। खा लो अब खा लो, भी खाई है जलेबियाँ, बड़ी अम्मी थी, थोड़ी सी बची भी हुई है, और ईदू खा रही नमकीन चाट चाट कर। और ये देखो मेरा जाल रेडी हो गया, मैं अभी इस जाल को और रेडी कर रहा हूँ ताकि कोई जाल ना फंस जाए। तो फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया है, आपने खा लिया खाना, हमने खा लिया है, और अब हम देख रहे हैं टीवी, और हम और अब हम खेलने वाले हैं छुपम छुपाई, खेल अभी बचा हुआ है। खाना खा लिया अभी टीवी देख रहे हैं, देखते हैं कब तक देखते हैं, उसके बाद फिर खेल के सो जाएंगे, है ना, खेलेंगे। हाँ। छुपम छुपाई हाँ। और ये दाया सोती नहीं है, इसको नींद नहीं आती है, सो जाएगी। हिदाया का मुंह देखो कैसे बनाया हुआ इसने। देखो कितनी नौटंकी मार रही है। तो हम करते हैं इस व्लॉग का ये एंड, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।
और बाय बाय प्लैंग की शिकर जल्दी से इसकी तरफ से बाय 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 बाय।